भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश सरकार का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए भरसक प्रयास किए हैं। शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि निर्दोषों का मानने में जिस पार्टी को क्रांति दिखाई पड़ती हो, वो पार्टी कभी भी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकती। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए रमन सरकार का लेखा जोखा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि 15 सालों में छत्तीसगढ़ में विकास का कीर्तिमान रचा है। शाह ने कहा कि 15 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि नक्सलवाद पर नकेल कसने की रही है। उन्होंने कहा कि 15 साल में पावर हब बना, सीमेंट हब बना, इस्पात हब बना और अब डिजिटल हब बनने की दिशा में रमन सिंह आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार मणिकंचन योग है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार है। अमित शाह ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि प्रदेश में चौथी बार भी भाजपा सरकार आएगी। दूसरे पार्टियों के लिए ये चुनाव भले ही हार जीत का चुनाव हो, लेकिन भाजपा के लिए ये चुनाव नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का चुनाव है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर रमन सिंह सरकार की है तो नक्सलवाद पर रमन सिंह सरकार ने नकेल कसने का काम किया है, लगभग लगभग छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की पहचान एक जमाने में पिछड़े हुए राज्य के बारे में होती थी, अव्यवस्था, आर्थिक बीमारूपण, उसकी जगह आज छत्तीसगढ़ पावर हब बना है, सीमेंट हब बना है, इस्पात हब बना है, एल्यूमिनियम हब बना है, एजुकेशन हब भी बना है और हेल्थ केयर हब भी बना है। और डॉक्टर साहब अब छत्तीसगढ़ को डिजिटल हब बनाने की दिशा में भी आगे बढ़े। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ आयोग बनने का काम होता था। अमित शाह ने कहा कि निर्दोषों का मारने में जिस पार्टी को क्रांति दिखाई पड़ती हो, वो पार्टी कभी भी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकती। भाजपा की सरकार घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाकर नजर आता है, हमें बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाकर क्रांति नजर आती है, राज्य को पिछड़ेपन से मुक्त करने में क्रांति नजर आती है। मैं कहना चाहता हूं, जिस पार्टी को नक्सलवाद के अंदर क्रांति दिखाई पड़ती हो, नक्सलवाद क्रांति का माध्यम दिखाई पड़ता हो, वो पार्टी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकती। हमें क्रांति दिखाई पड़ती है गरीब के घर में से धुआं मुक्त कर उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने, उसके घर को अंधेरे से मुक्त कर बिजली का बल्ब पहुंचाने में हमें क्रांति दिखाई पड़ती है। अनपढ़ बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाने में हमें क्रांति दिखाई पड़ती है। राज्य के अंदर उद्योग लगाकर उसको रोजगारी दिलाने में क्रांति दिखाई पड़ती है। मुरझाए हुए किसान के चेहरे को बोनस देकर और डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने में हमें क्रांति दिखाई पड़ती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर करीब करीब 55 साल तक राज्य किया है, मगर देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और कांग्रेस के झूठे प्रचार के सामने लड़ते हुए जन कल्याण में 15 साल तक लगे रहना, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी चुनौती। अमित शाह ने एक आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि जब दिल्ली में यूपीए की सरकार थी तो 13वें वित्तीय रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 48,000 करोड़ मिलता था, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 14 वित्त रिपोर्ट के मुताबिक 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की रकम दी गई। 9,000 करोड़ का बजट कांग्रेस छोड़कर गई थी, जिसे आज भाजपा की सरकार ने 83,000 करोड़ रुपए किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में लगातार विकास का दावा भी किया है। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।